भारत और इंग्लैंड के बीच में ओडीआई सीरीज की अब बारी है, जहां पर T20 सीरीज को 2-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम फाइनली सीरीज को भी अपने कब्जे में करने के लिए उतरेगी। और ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ ये मुकाबला हमें लंदन में देखने को मिलने वाला है। और ये पूरी सीरीज के मुकाबले शाम 5:30 बजे से भारतीय समय अनुसार स्टार्ट होने वाले हैं। और इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में कुछ बड़े चेंजेस भी किए गए, जहां पर प्लेइंग 11 T20 से आप लोगों को थोड़ी सी बदली नजर आएगी। और इस सीरीज में भारतीय टीम नए ओपनिंग पेयर के साथ नजर आएगी, जहां पर अगर बात की जाए T20 मुकाबलों की तो वहां पर हमने रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत को ओपन करते हुए देखा था। लेकिन इस सीरीज में क्योंकि फाइनली उस प्लेयर की एंट्री हो चुकी है भारतीय टीम में, जिसके बारे में पिछले काफी टाइम से स्पेकुलेशन थे कि क्यों इस प्लेयर को टीम से बाहर किया जा रहा है, और वो प्लेयर कोई और नहीं बल्कि शिखर धवन है। जिसका मतलब है कि शिखर धवन इस पहले ओडीआई मुकाबले से ही भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। उनके साथ आप लोगों को ओपनिंग करते हुए आएंगे रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी आप लोगों को इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए ओपन करते हुए नजर आएगी। उनके बाद वन डाउन की पोजीशन पर विराट कोहली, और उनके बाद टू डाउन की पोजीशन पर खेलेंगे सूर्य कुमार यादव, जिसका मतलब है इस मुकाबले में काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि हार्दिक पांड्या आप लोगों को भारत की टीम में नंबर 5 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। कॉमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले को। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।